बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग सोचते रहते हैं, बुजुर्ग कहते रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, एक्चुअली उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, हमें उत्तर दक्षिण क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। वास्तुशास्त्र भी कहता है कि हमें उत्तर दक्षिण कम नहीं सोना चाहिए, हमें पूरा पश्चिम सोना चाहिए, ठीक है, पूरब में सर होना चाहिए, पश्चिम में पैर होने चाहिए, ये सारी चीजें कही जाती हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज हूँ। इससे पहले बता दूं, मेरा यूपीएस लाल पुराज को यूट्यूब पर चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हमें पूर्व में उत्तर दक्षिण क्यों नहीं सोना चाहिए। चलिए उत्तर दक्षिण क्यों नहीं सोना चाहिए इसके बारे में बताने से पहले आप, मैं ये बता देता हूँ, मैग्नेट के बारे में आपने सुना होगा ना, ठीक है, मैग्नेट के बारे में सुना होगा, चुंबक के बारे में सुना होगा। पहली बार जब मैं छोटा था तो चुंबक कहाँ देखा था, जो रेडियो का होता है, रेडियो जो होता है, क्या बोलते हैं, आवाज साउंड जो होता है, उसमें हमने देखा था, ठीक है। जब रेडियो टूटा तो वो चुंबक मुझे मिला और उसके साथ में खेलता रहता था, ठीक है। ज्यादातर बच्चे तभी चुंबक देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों। चलिए पहले बात कर लेते हैं इंसानों के शरीर के बारे में, ठीक है। मान लीजिए हाथ है, ये आपका पैर है, ये पैर है, ये पैर है, ठीक है, ये इंसान का शरीर है, ठीक है। जो विज्ञान कहता है इधर धनात्मक होता है, इधर होता है ऋणात्मक, ठीक। ऊपर का जो शिरा होता है, सर होता है, वो होता है धनात्मक, ऐसे कार्य करता है, ठीक है, प्लस चार समझ लीजिए, और इधर ऋण चार समझ लीजिए, ठीक है, माइनस का चार समझ लीजिए, ठीक है। अब जब हम लेट, ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है। इधर होता है साउथ और इधर होता है नॉर्थ, तो मैग्नेट काम कैसे करता है, इधर से जो रेज आ जाती है, ठीक है, ऐसे निकलती, ठीक है। अब देखिए कुछ रेज जो होती ऐसे जाती है, ये 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 और ये, तो कुछ मैग्नेट की जो रेजेज होती ऐसी होती, मतलब धन इधर से चलती एन से चलती है, ठीक है, और जाती किधर, साउथ की तरफ, इसको समझ लीजिए उत्तरी, इसको समझ लीजिए दक्षिणी, ठीक है। मैग्नेट की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, मैग्नेट को चाहे जितना तोड़ते हैं वो हमेशा टू पोल में ही रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, चाहे जितना छोटा हो जाए वो दो में काम करना ही करना है, ठीक है। तो ये एक तरह की मैग्नेट फील्ड हो गई, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमने क्या किया, हम लेट गए ऐसे, हमारा इधर सर है, ये पैर हो गए, ये हाथ बना दिए, ये हो गया सिर, और ये हो गया इधर पैर, इधर हो गया नॉट, इधर हो गया सब, ठीक है। मान लीजिए हम मैग्नेट की तरह लेट गए, ठीक है। अब देखिए इधर हो गया साउथ, इधर तो समझ लीजिए हमारे अंदर जो किरणें चलने लगेंगी, हमारे इन, हम भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे, ठीक है, मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे, और हमारे अंदर भी ऐसी कुछ रेजेज जो होंगी ऐसी इधर जाएंगी, ठीक है, इसको बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक। एक तो मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, ऊपर से ये जो जा रही हैं, ठीक है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी, उत्तरी दक्षिण ध्रुव है, ठीक है, तो ये एक पोल, ये दो पोल हो गए, तो एक तो वैसे भी प्राकृतिक रूप से जो हमारी पृथ्वी है इसमें एक चुंबकीय चल रहा है, चुंबकीय प्रवाह हो रहा है, दिशा के आधार पर ही हो रहा है, और हम लेट भी गए, तो देखिए इधर हमारा सर है, इधर धन तो था ही और धन हो गया, और ठीक है और ऋण हो गया, तो जब ये धन है और धन हो गया तो हमारे सर में जो धनात्मकता है बढ़ जाती है, ठीक है, और हम एक मैग्नेट की तरह फुल्ली काम करने लगते हैं, तो जिससे कि हमारे मन में तनाव बढ़ता है, धनात्मक बढ़ती है तो तनाव बढ़ता है दिमाग पे, और जब हम उससे लेट के उठते हैं सबे तो देखते हैं कुछ भारीपन महसूस होता है, और हम रात में अच्छे से नींद नहीं आती, इसीलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, और मैग्नेट की तरह काम तो करता है, उसके साथ ही उसके जो शरीर बढ़ जाते हैं, प्रवाह ज्यादा हो जाता है मैग्नेट की, जैसे यह प्रवाह तो चल ही रहा है प्राकृतिक रूप से उत्तर दक्षिण, और हम ऐसे लेट भी गए, ठीक है, तो हमारा शरीर एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा, और जो धन है वो और धन हो जाती, इसीलिए हमें इधर नहीं लेटना चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए, ये नहीं कहूंगा नहीं लेटना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और एक बात देख लीजिए, और वैसे वास्तुशास्त्र भी कहता है कि जो धारा प्रवाह आपके शरीर के अंतर्गत होता है उससे आपको थकान महसूस, अच्छी नींद नहीं आती है, सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी देर और सो लेना चाहिए। और एक बात आती है पूरब पश्चिम, इधर आपका है पूरब, इधर आपका है पश्चिम, ठीक है। ये है पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम में कहते हैं कि हमें जो है सर इधर रखना चाहिए, पैर इधर, हमें ऐसे लेटना चाहिए, इसलिए क्योंकि कहते हैं लोग कि पूरब में जो होता है देवताओं का निवास होता है, इसलिए मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो है हमारा शरीर एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और धनात्मक की और धनात्मक हो जाती है और प्रभाव बढ़ता है हमारे शरीर के अंतर्गत विद्युतीय चुंबकीय धाराओं का, ठीक है। इसकी वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती, हमें स्वास्थ्य भी नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो आप जिस फील्ड में होंगे उस फील्ड में वीक होते जाएंगे, आपका जो विकास दर है या प्रोडक्शन क्षमता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो कोई अन्य कार्य कर रहा हूँ वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो है अगर सर करना है आपको तो ऐसे करिए, इधर सर कर लीजिए, ठीक है, और इधर इसे इधर कर लीजिए, और इधर ये है पैर इधर कर लीजिए, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। अगर आपको ऐसे लेटना है तो सर आप करिए साउथ की तरफ और पैर करिए नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आप ये ऋण हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, आपका शरीर का जो धनात्मकता है, ठीक है, ये हो जाएगी आपके धनात्मक, ये ऋण हो जाएगा और मैग्नेट काम करता है, ठीक है, ये धन, ये और ऋण। तो इस तरह आपको ये दोनों जो होते हैं अपोजिट हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो चीजें आप आसानी से अच्छी नींद आ जाएगी, ठीक है। तो फिर ये रही कोशिश की है कि इस सवाल का जवाब ठीक से दे पाऊं।